फिल्म की स्टार्टिंग में दिखता है कि एक एलियन ने चांद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके बाद के सीन में एक स्कूल की क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जिस क्लासरूम के बच्चे पढ़ाई में बहुत कमजोर रहते हैं। इसके बाद उन्हें स्कूल के क्लासरूम से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर थे। इसके बाद उनका एक क्लासरूम एक पहाड़ के नज़दीक एक खंडर सा दिखने वाली एक वन स्टोरी बिल्डिंग थी। इसके बाद वहाँ जो उनका टीचर होता है वो और कोई नहीं बल्कि वही एलियन था जिसने चांद को तबाह किया। वो एलियन उस स्कूल के टीचर इसलिए है क्योंकि उसने उस स्कूल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें वो बोलता है कि मैं उन बच्चों को एक साल तक पढ़ाऊँगा। इस एलियन के साथ एक असिस्टेंट टीचर भी रहता है जो इस क्लास को ट्रेन करता था। फिर वो क्लास को समझाता है कि तुम्हारा काम इस एलियन को मारना है, ये एलियन तुम्हारा दुश्मन है और इस पर कभी भी भरोसा मत करना और इसे जल्द से जल्द हमें वापस भेजना है। इसके बाद वो कहता है इसके भागने की स्पीड बहुत तेज है, तुम लोग इसे कभी नहीं पकड़ पाओगे। फिर वो असिस्टेंट टीचर अपने सूटकेस से बंदूक निकालता है और उस एलियन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस एलियन को नहीं मार पाता। फिर वो एलियन उससे बंदूक छीनकर खुद अपने हाथ को मारता है। उसका हाथ टूट के नीचे गिर जाता है लेकिन उसे कोई दर्द नहीं होता। इसके बाद अपने आप उसका हाथ ठीक हो जाता है। उस एलियन की सिर्फ एक कमी थी, अगर वो जितनी पावर यूज़ करता है अपनी बॉडी को ठीक करने में उतनी उसकी स्पीड कम होती जाएगी। अगले दिन सभी स्टूडेंट क्लास में बंदूक लेके उस एलियन को शूट करते हैं, लेकिन कोई भी गोली उस एलियन को नहीं लग पाती और वो इधर उधर भागता नजर आता है। उस एलियन को मारने के लिए सरकार एक लड़की को वहाँ हायर करती है जो बहुत बड़ी निशानेबाज थी। उसी क्लास में एक लड़का था जो अपनी डायरी पे हर दिन लिखता रहता था उस एलियन के बारे में। इसके बाद कुछ लड़के आकर उससे कहते हैं कि हमारे प्लान में शामिल हो जाओ। इसके बाद वो लड़के उस लड़के को एक चाकू पकड़ा कर उस एलियन को मारने के लिए भेजते हैं। फिर वो जैसे ही उस एलियन को मारने वाला होता है तभी एलियन उसे देख लेता है। उस लड़के ने अपने पास ग्रेनेड रखा हुआ था जिसके बाद वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो दोनों लड़के खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है वो एलियन मर गया। फिर वो हैरान होकर देखते हैं कि उस लड़के नागिसा को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक था। तभी वो लड़के ऊपर देखते हैं तो वो एलियन वहीं था छुपा हुआ। वो एलियन अपने बाहरी आवरण को हर साल बदलता था। इसके बाद वो एलियन गुस्से में आता है और उसका स्किन कलर बदलने लगता है। फिर वो एलियन स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हारे एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ था वो तुमने पूरा नहीं किया। हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ गन का यूज़ करना था लेकिन तुमने ग्रेनेड का यूज़ किया, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा। अगले दिन वो इस एलियन टीचर को एक जाल में फंसा देते हैं, फिर वो उसे शूट करते हैं लेकिन फिर भी उस पर निशाना को नहीं लग पाता और वो असिस्टेंट टीचर वहीं था, ये सब वो देख रहा था। इसके बाद एक नया स्टूडेंट वहाँ आता है। इसके बाद वो नया स्टूडेंट उस एलियन से मिलने जाता है। फिर वो एलियन उस लड़के से हाथ मिलाता है लेकिन उस एलियन का हाथ कट जाता है क्योंकि उस लड़के ने अपने हाथों में ब्लेड चिपका रखी थी जिससे उसका हाथ कट जाता है। फिर वो लड़का हर दिन नए नए तरीक़ों से उस टीचर को मारने की कोशिश करता था लेकिन वह हमेशा बच जाता था। इसके बाद वो लड़का एक जगह बैठकर उस एलियन को मारने की सोच रहा होता है, तभी नागिसा वहाँ आ जाता है। फिर नागिसा उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बहुत होशियार बच्चा था अपनी क्लास में, लेकिन एक दिन मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक बच्चा तुम्हारी क्लास के बच्चे को मार रहा था, फिर मैंने अपनी क्लास के बच्चे के साथ लड़ाई की और मुझे लड़ाई करते हुए प्रिंसिपल ने देख लिया, इसके बाद मुझे यहाँ भेज दिया गया। तभी वहाँ पर वो एलियन टीचर आ जाता है। इसके बाद वो लड़का पहाड़ से छलांग लगा देता है खाई में, साथ ही वो उस एलियन टीचर को शूट भी करता है। तभी वो एलियन टीचर नीचे जाकर अपना जाल बना देता है और उस लड़के को गिरने से बचा देता है। फिर वो लड़का नीचे जाकर उस जाल में गिर जाता है। इसके बाद वहीं दूसरी तरफ चांद को तबाह हुए 2 महीने हो चुके थे लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो एलियन टीचर अभी जापान में था। इसके बाद वो असिस्टेंट टीचर यानी सोल्जर एक आर्मी चीफ से बातें कर रहा होता है। फिर वो कहता है उस क्लास के बच्चे बहादुर नहीं हैं, वो उस एलियन टीचर को नहीं मार पा रहे हैं। फिर वो आर्मी चीफ कहता है मैं उनकी क्लास में एक और स्टूडेंट भेज रहा हूँ। अगले दिन क्लास में देखने को मिलता है कि एक रोबोटिक असिस्टेंट वहाँ रहती है जो सिर्फ स्किन के अंदर दिखाई देती थी और उस सिस्टम में गोलियाँ भी लगी रहती थी। वो मशीन इस तरह से डिजाइन की गई थी ताकि वो उस एलियन को मार सके। जैसे ही वो एलियन टीचर क्लास में आता है तभी वो मशीन फौरन फायरिंग स्टार्ट कर देती है, तभी सारे बच्चे बेंच के नीचे छुप जाते हैं। इसके बाद सभी बच्चे उस मशीन से परेशान होकर उसे चेन से बांध देते हैं। इसके बाद एलियन टीचर उस रोबोटिक मशीन के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से सारे स्टूडेंट डर गए, इसलिए पहले तुम उनसे दोस्ती करो
फिर जाके तुम मुझे मारना। इसके बाद अगले दिन वो रोबोटिक मशीन हर बच्चे के मोबाइल फोन पर एक मैसेज भेजती है। वो मैसेज देखने के बाद सभी बच्चे उस रोबोटिक मशीन को अच्छा समझने लग जाते हैं। इसके बाद उस क्लास में एक नया स्टूडेंट आ जाता है। फिर वो नया स्टूडेंट क्लास के स्टूडेंट से कहता है कि वो एलियन टीचर और मैं एक ही भाई है और मैं इसे मारकर दिखाऊंगा कि मैं कितना बहादुर हूँ। इसके बाद उस एलियन टीचर और उस क्लास के नए बच्चे के बीच लड़ाई शुरू होने लगती है, जिसमें उस क्लास के नए बच्चे के पीछे बहुत सी बुझाएं आने लगती है। फिर वो एलियन टीचर ये देखकर हैरान हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है। तभी वो एलियन टीचर उसकी बुझाओं को नुकसान पहुंचा देता है। फिर उस नए स्टूडेंट का ट्रेनर उससे कहता है कि तुम्हें हार नहीं माननी है। इसके बाद सारे स्टूडेंट उस एलियन टीचर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आपको हमारी क्लास में क्यों भेजा गया। वो कहता है कि इसके पीछे का एक कारण है जो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। फिर वो कहता है कि मैं यहाँ दुनिया को तबाह करने आया था, अगर तुम मुझे हरा नहीं पाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर मैं दुनिया को तबाह कर दूंगा। फिर वो एलियन टीचर कहता है कि तुम मेरे साथ रहो हमेशा, मैं तुम्हें ट्रेनिंग सिखाया करूंगा। इसके बाद देखने को मिलता है कि वो एलियन टीचर हर बच्चे के पास जा रहा था, उसे तेजी से पढ़ा रहा था। इसके बाद असिस्टेंट टीचर उस क्लास का रिकॉर्ड चेक करता हुआ नजर आता है, लेकिन उस क्लास का रिकॉर्ड बिल्कुल खराब था। फिर वो उस क्लास में पहले असिस्टेंट टीचर की जगह दूसरा असिस्टेंट टीचर भेजते हैं। वो नया असिस्टेंट टीचर कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, तभी एक बच्ची नीचे गिर जाती है। फिर वो लड़की को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये करना होगा। तभी वहाँ पर वो असिस्टेंट टीचर आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर वो उसे ये सब करने से रोकता है। फिर वो टीचर कहता है कि अगर मुझे कोई हरा सकता है तो उसके पास भेजो मुझे। इसके बाद वो असिस्टेंट टीचर नागिसा को कहता है कि तुम उससे जाकर लड़ोगे। फिर वो उसे एक चाकू देता है। इसके बाद नागिसा उस ट्रेनर को मारने के लिए उसे गिराता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है। फिर वो नागिसा को दूर फेंक देता है और वो कहता है कि मुझसे फिर लड़ो। फिर नागिसा उसे मारने से मना कर देता है। फिर वो ट्रेनर गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फिर सारे स्टूडेंट वहाँ खुश हो जाते हैं कि तुमने कर दिखाया। इसके बाद वो एलियन टीचर उस असिस्टेंट टीचर से बात कर रहा होता है। फिर वो नागिसा के बारे में कहता है कि ये बहुत बहादुर बच्चा है और इसके अंदर बहुत सी अच्छी क्वालिटीज़ है। अगले दिन जब बारिश हो रही होती है तो वो एलियन टीचर बहुत घबरा जाता है। फिर नागिसा ये बात को अपनी डायरी में लिख देता है। फिर अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो सभी बच्चे कहते हैं कि हम बहुत बोर हो रहे हैं, हम आज नहीं पढ़ पाएंगे। वो असिस्टेंट जो गवर्नमेंट ने हायर की थी उससे एलियन कहता है कि तुम एक ही बार में क्या पीछे हट जाओगी। फिर वो असिस्टेंट टीचर से भी यही सवाल पूछता है। फिर वो असिस्टेंट टीचर कहता है मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो एलियन टीचर कहता है कि तुम अपना दूसरा प्लान तैयार रखना क्योंकि मैं कभी भी यहाँ से भाग सकता हूँ। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आ रहा तो अब देखो। फिर वो तुरंत अंतरिक्ष में चले जाता है और सैटेलाइट को जमीन पर दे मारता है। फिर वो सैटेलाइट नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाती है। फिर वो सबसे कहता है कि मैं इसी तरह से दुनिया को नष्ट कर दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। फिर वो आगे कहता है कि आगे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, जो एग्जाम में टॉप करेगा उसे मैं एक मौका दूंगा जो मेरी भुजा को सूट कर सकता है, इससे मेरी स्पीड कम हो जाएगी और आप मुझे मार सकते हो। इसके बाद वो एलियन टीचर उन स्टूडेंट की बहुत मदद करता है एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि उन्हें पूरी दुनिया में घुमाता है और उन्हें खूब मजे करवाता है। इसके बाद जिस दिन रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि 6 बच्चों ने टॉप किया है। इसके बाद वो 6 बच्चे खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि इसकी 6 भुजाएं हैं तो हम 6 भुजाओं को इसके तोड़ देंगे और इस एलियन की स्पीड कम हो जाएगी जिससे हम इसे मार सकेंगे। इसके बाद वो बच्चे तैयार हो जाते हैं उस एलियन टीचर को मारने के लिए। इसके बाद वो एलियन टीचर को बांध देते हैं, फिर वो एक एक करके उस पर शूट करते हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट उस पर पानी फेंक रहे थे। इसके बाद वो एलियन टीचर वहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद देखने को मिलता है कि उसका सर एक कांच में बदल चुका था। फिर वो 24 घंटे के लिए सही रहने वाला था। तभी वो नया सोल्जर वहाँ आ जाता है। फिर वो उनसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे हरा दोगे क्या। फिर वो कहता है कि मैंने पानी में वायरस घोल दिया है। फिर उसके पीछे वही स्टूडेंट आ जाता है जो एलियन को अपना भाई कहा करता था। इसके बाद उनमें से एक स्टूडेंट नागिसा को एक टावर पर ले जाता है, लेकिन वहाँ पर भी वो उस एलियन टीचर का भाई आ जाता है। फिर अचानक बारिश होने लगती है। इसके बाद उस एलियन के भाई की भुजाएँ कमज़ोर होने लगती है। इसके बाद नागिसा उसकी भुजाएँ काट देता है। इसके बाद नागिसा नीचे आता है तो वो नया सोल्जर उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर ये वैक्सीन दे सकता हूँ, अगर तुम ये एलियन का सर मुझे दे दो। तभी सारे स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं और उसे घेर लेते हैं। फिर वो सारे बच्चे कहते हैं कि हम इसकी दवाई बना चुके हैं, हमें तुम्हारी दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो उसे कीचड़ में दफना देते हैं। फिर वो सारे स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और उन बच्चों से कहती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उन बच्चों से कहती है कि सेलन को हमें दे दो ताकि हम इसे मार सकें।
फिर वो गवर्नमेंट ले जाकर उस एलियन को एक ऐसी जगह रख देती है जहाँ बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। इसके बाद सभी स्टूडेंट उस घटना को लाइव देख पा रहे थे। तभी स्क्रीन पर उस एलियन टीचर का मैसेज आता है जिसमें वो कहता है कि मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारा टीचर बना और मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम अपनी जान बचा सको। जिसको सुनकर सभी स्टूडेंट उदास हो जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है कि ये बहुत अच्छा टीचर था। इसके बाद जहाँ वो एलियन टीचर रखा गया था वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद वो बच्चे रोने लगते हैं। तभी वो एलियन टीचर वहाँ आ जाता है। फिर वो एलियन टीचर बच्चों को हंसाने लगता है। फिर अगले दिन से वो वही चीज़ें फिर रिपीट होने लगती है और वो सारे स्टूडेंट उस एलियन टीचर से फाइटिंग सीख रहे थे। और फिर मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच।